फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग बात करेंगे लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट। दोस्तों, कभी कभी इंटरव्यू में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों, लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट में लिखा हुआ है एब्रेशन। एब्रेशन को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले, किसी भी मटेरियल का सरफेस घिस जाना, इसको हम लोग कहते हैं एब्रेशन। इसके सहारे हम लोग चेक करते हैं किसी भी मटेरियल की हार्डनेस, मतलब कितना स्क्रैच को ये रेजिस्ट कर सकता है। दोस्तों, रोड वर्क में हम लोग यूज करते हैं क्रश स्टोन, जिसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट भी हम लोग कहते हैं। जब दोस्तों रोड के ऊपर से व्हीकल गुजरता है तो इसका टायर भी घूमता है और इसके वजह से जो एग्रीगेट है इसका सरफेस घिस जाता है। तो हम लोगों को उस मटेरियल का हार्डनेस भी जानना चाहिए कि वो मटेरियल उस रोड के लिए सुइटेबल है और नहीं है। दोस्तों, इसके लिए हम लोग करते हैं एब्रेशन टेस्ट। दोस्तों, इस मशीन को हम लोग कह रहे हैं लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट मशीन। इसमें देखिए, एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। इस सिलेंडर को हम लोग अटैच करते हैं एक मोटर से, जिसके सहारे इस सिलेंडर को हम लोग एक पार्टिकुलर आरपीएम में घुमाते हैं। यहाँ है इसका एक्सेस डोर, इसको हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसके सहारे इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं एग्रीगेट, जिसको हम लोग सैंपल की तरह ले रहे हैं, और स्टील बॉल, पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टील बॉल इसके अंदर हम लोग डालते हैं, जिसको हम लोग एब्रेसिव चार्ज की तरह यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम लोग इसके अंदर एग्रीगेट एंड स्टील बॉल डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेस डोर को क्लोज कर देंगे और इसको एक फिक्स्ड आरपीएम में घुमाएंगे। जो आफ्टर टेस्ट के बाद जो सैंपल हम लोगों को मिलता है, तो उसको हम लोग इस ट्रे के सहारे कलेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये था लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट के बारे में ओवरव्यू। इसके बाद हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, पहले देखिए हम लोग जान लेंगे एम क्या है। एब्रेशन टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट द हार्डनेस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट एंड टू डिसाइड वेदर दे आर सुइटेबल फॉर डिफरेंट पेवमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। जो हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसका हार्डनेस हम लोग चेक करेंगे। जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग पेवमेंट में यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ये है आपका एम। अब दोस्तों, लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट इंडिया में स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं IS 2386 Part 4। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजेल एब्रेशन टेस्ट इज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेयर ड्यू टू रिलेटिव रबिंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट एंड द स्टील बॉल यूजेज एब्रेसिव चार्ज। दोस्तों, परसेंटेज ऑफ वेयर मटेरियल इक्वल्स टू ओरिजिनल वेट, कितना वेट हम लोग ले रहे हैं, माइनस रिटर्न वेट, कितना रिटर्न हो रहा है बाय ओरिजिनल वेट इंटू 100। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है परसेंटेज ऑफ वेयर ऑफ मटेरियल। अब दोस्तों, जो सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं रोटेशन के लिए, तो उस सिलेंडर का कुछ डायमेंशन है। दोस्तों, इसका इंटरनल डाया है 700 मिलीमीटर एंड इसका लेंथ है देखिए 520 मिलीमीटर। अब दोस्तों, एब्रेसिव चार्ज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एन एब्रेसिव चार्ज कॉन्सिस्टिंग ऑफ कास्ट आयरन स्फेरिकल बॉल ऑफ 48 मिलीमीटर डाया एंड वेट 342-445 ग्राम इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर अलोंग विद एग्रीगेट। दोस्तों, जो हम लोग एब्रेसिव चार्ज यूज कर रहे हैं वो बना होता है कास्ट आयरन के। अब दोस्तों, क्यों हम लोग कास्ट आयरन यूज कर रहे हैं? दोस्तों, कास्ट आयरन बॉल हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन की हार्डनेस ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ एब्रेसिव चार्ज वेरीज अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग ऑफ द सैम्पल। द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडेशन एंड यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 kg। जो एग्रीगेट हम लोग सैंपल की तरह ले रहे हैं तो उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 kg होता है। अब दोस्तों, जो सिलेंडर घूमता है उसका भी पर्टिकुलर स्पीड होता है 30 to 33 rpm एंड टोटल रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो 500 to 1000 revolution हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर स्पेसिफाइड रिवोल्यूशन द मटेरियल इज सीव्ड थ्रू 1.7 mm सीव एंड पास्ट फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज टोटल वेट ऑफ द सैम्पल। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज लॉस एंजेल एब्रेशन वैल्यू। जैसे कि मैंने इस एक्सप्रेशन में दिखाया है, तो ओरिजिनल वेट है। अब रिटर्न वेट कहाँ पे रिटर्न कर रहा है? 1.7 mm सीव में, जो मटेरियल रिटर्न कर रहा है।
उसको हम लोग माइनस करेंगे ओरिजिनल वेट से, बाई ओरिजिनल वेट करेंगे इंटू 100, तब हम लोगों को मिल जाता है परसेंटेज ऑफ वेट मटेरियल। सो फ्रेंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू। ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 40% इज अलाउड फॉर WBM मतलब वाटर बाउंड मैगडम कोर्स के लिए इन इंडियन कंडीशन। फॉर बिटुमिनस कॉन्क्रीट ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 35 इज स्पेसिफाइड। Hope you understand this video. If you understand, please like this video, share with your friend, and please subscribe my channel. इसमें लॉस एंजेलस टेस्टिंग मशीन वो है जो यूज करते हैं, जिसका इंटरनल डायमीटर रहता है 700 mm और लेंथ जो रहती है एक्सेस पर वो रहती है 500 mm। इसमें अपन रविंग एक्शन निकालते ट्रैफिक का, जो ट्रैफिक फ्लो होता है, हाई स्पीड व्हीकल जो निकलते हैं उसकी रोड की हार्डनेस निकालने के लिए, जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं ना वो कितना हार्ड है, उसमें जो रबिंग एक्शन हो रहा है, घिस रहा है जो मटेरियल, वो जब ट्रैफिक के जो मतलब व्हीकल्स के जो व्हील्स रहते हैं उसके कांटेक्ट में आने से जो अपना ट्रैफिक में मतलब रोड की जो एग्रीगेट रहेगी वो कितनी क्रश हो रही है वो निकालने के लिए करते हैं। तो इसमें 6 से 12 स्टार्ट लॉस एंजेलस टेस्टिंग मशीन है, इससे एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 500 mm जो इसका इंटर मतलब वो लेंथ है, ये लेंथ 500 और इंटर डायमीटर जो है वो कितना 70 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और लेंथ जो है वो कितनी 50 सेंटीमीटर। इससे इसमें 6 से 12 बॉल यूज होती हैं जो कि 48 mm डायमीटर की रहती है अप्रॉक्स, और इसका वेट जो रहता है 395 to 400 grams रहता है बॉल्स का। इसमें बॉल्स यूज हुई हैं। ठीक है, इसमें अपन जो मटेरियल लेते हैं वो 5 से 10 kg ले सकते हैं। 5 kg लेंगे तो उसको अपन 5 रिपीटेशन देंगे, रेवोल्यूशन देंगे, और जो 10 किलो लेंगे ना 10 केजी वेट लेंगे उसके लिए अपन देंगे 1000। ठीक है, जो मशीन रोटेट होगी वो 32-33 RPM होगी, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने 30 से 33 रेवोल्यूशन अपन इसमें कर लेंगे। जो मटेरियल जो अपन लेंगे इसमें यूज़ करने के लिए वो अपन सीव करेंगे, सबसे पहले 12.5 mm की सीव रहेगी और 10 mm की सीव, 12.5 से पास होगा और 10 पर रिटर्न होगा, वो मटेरियल अपन इसमें यूज़ करेंगे। और आफ्टर 500 रिपीटेशन जो मटेरियल अपन इससे निकालेंगे उसको 1.70 mm की सीप से सीप करेंगे, जो मटेरियल उससे पास होगा उसको अपन निकालेंगे, उसका फॉर्मूला W1 - W2 / W1 × 100। W1 क्या है, वेट ऑफ स्पेसिमेन जो अपन ने लिया, कितना लिया 5 किलो 5 kg। उसके बाद जो W2 है वो है 1.70 के पास होने के बाद जो मटेरियल बचा वो है, इससे परसेंटेज निकालेंगे एब्रेशन वैल्यू कितने आ रही है। ठीक है, जितनी कम एब्रेशन वैल्यू रहेगी उतना अच्छा अपना वो एग्रीगेट रहेगा। और उसको सीव करने के बाद 24 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे। ठीक है, ओवन रखने के बाद इसमें यूज़ करेंगे और एब्रेशन वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो 12.5 ये मटेरियल है जिसको ले रहा है अपन, 12.5 से पास होगी 10 पर रिटर्न होगी, जो 10 पर रिटर्न होगी वो अपन को यूज़ करना है लॉस एंजेलस टेस्टिंग। इसको ये मटेरियल जो आया अपना और उसके बाद 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए ओवन में रखना है, फिर उसको यूज करेंगे ताकि मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाए। Thank you.
कल।